हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस फैकल्टी एट जे आर। जैसा कि आपको पता है, हम लोग क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जो कि मोशन है उसको पढ़ रहे थे। इसके हम लोगों ने कई सारे लेक्चर्स कर चुके हैं और ये हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि जो कुछ भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है उसका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के साथ क्या रिलेशन है उसको फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट रिलेशन होता है, सॉरी हमारा फर्स्ट इक्वेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। देन हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देन वी हैव द थर्ड वन, दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। मैंने ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को लिख दिया है, बहुत सारे बच्चे इसको समझ रहे होंगे, लेकिन जो भी इसको नहीं समझ रहे हैं उसके लिए मैं दो प्रूफ बताऊंगी। हमारा पहला प्रूफ होगा जनरल प्रूफ और हमारा सेकंड प्रूफ होगा ग्राफिकल प्रूफ। हम लोग ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को थ्रू ग्राफ्स समझेंगे और एक हमारा जनरल प्रूफ होगा, जिसको कि हम लोगों ने अभी तक जितने भी स्टेटमेंट पढ़े हैं बस उसी को अच्छे से रीअरेंज करके ट्राई करेंगे इन तीनों क्वांटिटी को फाइंड आउट करने का। देन यहाँ पर मैं आपको पहले ये सारी चीजें क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे यहाँ पर वी है तो वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एस क्या डिनोट कर रहा है, यू क्या डिनोट कर रहा है, मैं ये लिख देती हूँ। तो हमारा वी जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है। देन यहाँ पर यू जो होता है वो हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है। उसके बाद यहाँ पर जो एस है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, उसका मतलब डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या फिर इसी को आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। जब आप क्लास 11th में जाओगे तो वहां पर आपको फिजिक्स में काफी फर्स्ट में ही एक चैप्टर मिल जाएगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वहां पर टीचर अगर डिस्प्लेसमेंट बोले या फिर डिस्टेंस बोले दोनों का मतलब सेम होगा, क्योंकि वो पूरा चैप्टर स्ट्रेट लाइन पे जो मोशन होता है उसी को स्टडी करवाता है। तो जिसके कारण हम लोग एस से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को डिनोट करते हैं। देन एक्सेलरेशन, ए से हम लोगों को एक्सेलरेशन मिल रहा है, ए से हम लोग एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहे हैं। देन द लास्ट वन टी, जिससे कि हम लोग टाइम को डिनोट करते हैं, अगर कहीं भी टाइम को डिनोट करना होता है तो हम लोग टी लिख देते हैं वहां पर। नाउ ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग पहले प्रूव करते हैं। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें बताता है कि एक पार्टिकल का कितना वेलोसिटी होगा जब वो टी टाइम के साथ मूव करेगा, और वो मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन। तो इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल एट टाइम टी। सो एक पार्टिकल का जो कि यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म रेट के साथ मूव कर रहा है, उसका क्या वेलोसिटी होगा टी टाइम में, हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसी का रिलेशन बताता है। सो यहाँ पर मैं इसको प्रूफ करती हूँ, ये हमारा जनरल प्रूफ है। मैं पहले इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का जनरल प्रूफ बताऊंगी, देन हम लोग सेकेंड जो मेथड है जो कि ग्राफिकल प्रूफ है, ग्राफिकल मेथड, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको भी पता है एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन इज अ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स कि जो वेलोसिटी में चेंज आता है उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन को यहाँ पे इसको मैंने मैथमेटिकली लिख दिया, वैसे तो आपको डेफिनेशन पता ही है। तो एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और चेंज इन वेलोसिटी को वी माइनस यू, फाइनल में से अगर हम लोग इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा, जो वेलोसिटी में चेंज होगा उसी को हम लोग निकाल लेंगे। देन हमारे पास टाइम पर यूनिट टाइम होने के कारण मैं डिनोमिनेटर में टाइम को लिख देती हूँ। फिर यहाँ पे से बस आपको रीअरेंज करना है, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, यहाँ पर t डिवाइड में है तो यहाँ पर a के साथ जाने में वो इंटू हो जाएगा, दैट मीन्स कि वो a के साथ इंटू हो जाएगा, तो a इंटू टी। मैं v को भी इधर रखकर u को उधर शिफ्ट कर देती हूँ, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि मैंने आपको प्रूव भी कर दिया, और हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या यूज है वो भी पढ़ रखे हैं। सो इसी के साथ आप लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को समझ चुके हैं। मैं यहीं पर आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन समझा देती हूँ। सो हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है
वो हम लोग को रिलेशन देता है कि एक पार्टिकल जो कि ए एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है टाइम टी में, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. सो मैं लिख देती हूँ, इट गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी एट टाइम टी. सो इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग. तो आपको एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन तो पता ही होगा, जैसे कि एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो उसी तरह से वेलोसिटी का भी होता है. एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, या फिर अगर स्ट्रेट लाइन में तो वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल ही होगा. तो जिसके कारण टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ, टोटल डिस्टेंस बाय, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम. आपको भी पता है अगर हम लोग डिस्टेंस को निकालना चाहते हैं तो एवरेज वेलोसिटी को अगर टाइम से इंटू कर देंगे तो यहाँ पे एक पार्टिकल या एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है हम लोग उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पर डिस्टेंस को, टोटल डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से, ये वाला जो दिया हुआ टर्म है एस से डिनोट कर देते हैं, और टी को हम लोग इक्वल टू के अपोजिट साइड शिफ्ट कर देते हैं. तो जैसा कि ये इधर डिवाइड में है तो इक्वल टू के अपोजिट साइड जाने पर वो इंटू हो जाएगा. तो देन हम लोग के पास एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम कुछ इस तरह का इक्वेशन बनेगा. और जैसा कि आपको पता है अगर डिस्प्लेसमेंट है देन डिस्प्लेसमेंट में हम लोग के पास दो पॉइंट होता है, और अगर दो पॉइंट हम लोग के पास गिवन है और देन हम लोग को एवरेज वेलोसिटी पूछा जाता है, तो एक हम लोगों ने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रखा है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टू. तो बस इसी का यूज करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैं एवरेज वेलोसिटी की जगह पर ये लिख देती हूँ, वी प्लस यू बाय टी इंटू टी. यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टी है तो हम लोगों ने उसको भी लिख दिया. अगर आपको याद हो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि यहाँ पर है, अगर यहाँ से आपको v का वैल्यू मिल गया तो आप v के वैल्यू को यहाँ पर जो ये वाला v है इनिशियल वेलोसिटी वहां पर पुट कर सकते हो. तो मैं एक काम करती हूँ, पहले ये सारे कुछ इरेज कर लेती हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए. मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेती हूँ. सो s इक्वल टू वी प्लस यू बाई टी इंटू टी की जगह पर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी का जो वैल्यू आया था इक्वेशन फर्स्ट में उसको पुट कर देते हैं. तो यहाँ पर हम लोग के पास v प्लस ए टी प्लस यू इंटू टी बाई टी कुछ इस तरह का रिलेशन मिल जाएगा. तो हम लोग पहले t से इन सारी चीजों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन s इक्वल टू, अगर हम लोग t से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यू टी बन जाएगा, देन यहाँ पर टी स्क्वायर एंड देन यू टी. तो ये u और u को हम लोग पहले ही ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास 2u बन जाएगा, 2u प्लस ए टी स्क्वायर हमारे पास कुछ ऐसा बन के आ जाएगा. एंड देन सॉरी यहाँ पर t नहीं, यहाँ पर 2 होगा, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पर ये 2 होगा. तो आप भी इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर 2 होगा. तो अगर कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और वो प्लस साइन से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स कि अगर आपको उसको अलग करना है तो एक बार 2 इसके साथ जाएगा डेनोमिनेटर में एंड देन सेकंड बार ये इसके साथ जाएगा. तो हम लोग इसको अलग करके लिख लेते हैं. तो यहाँ पर 2ut प्लस ए टी स्क्वायर और यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. देन हम लोगों के पास ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो बन के आ जाएगा. सो यही हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन था, एंड आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हैं. नाउ हम लोग इसी के साथ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी प्रूव कर लेते हैं. मैं इसके लिए पूरी स्लाइड को इरेज कर देती हूँ. सो यहाँ पर जो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या हम लोगों को बताता है. सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों को इनिशियल वेलोसिटी बताता है जब कोई पार्टिकल ए एक्सेलरेशन के साथ एस डिस्टेंस तक ट्रेवल कर चुका होता है. सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इट गिव्स द वेलोसिटी acquired by a body in traveling distance s. So proof of third equation of motion. जैसा कि आपको पता है distance travel या फिर displacement equal to average velocity into time होता है. Then average velocity को हम लोग लिख सकते हैं v plus u by 2 और ये तुम्हारे पास टाइम है. अगर हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी से टाइम मिल जाए
तो हम लोग यहाँ पर टाइम की वैल्यू को पुट करके इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, एंड देन हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो रिलेशन है वो भी हमारे पास मिल जाएगा। तो हमारे पास वी ए टी को ही एक साइड रख के वी माइनस यू कर लेते हैं, एंड देन हम लोग ए को भी शिफ्ट कर देते हैं, तो वी माइनस यू बाई ए। हम लोगों को ये वैल्यू पुट करनी है टाइम के जगह पर, तो जो हमारे पास एस का वैल्यू हो जाएगा वो वी प्लस यू बाई टू इंटू वी माइनस यू बाई ए। तो ये हमारे पास इंटू है, तो हम लोगों को इंटू करना होगा, तो यहाँ पर नीचे से हम लोग वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू एंड देन टू ए इक्वल टू एस। तो हम लोग इसको शिफ्ट कर लेते हैं, तो हम लोग टू ए एस लिख सकते हैं, क्योंकि टू ए को हम लोग इक्वल टू के अपोजिट साइड शिफ्ट कर देंगे। देन ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूले पे ये लग रहा है, तो हम लोग यहाँ पर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लोग यू को इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करते हैं, देन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। हमारा जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी यहाँ पर प्रूफ हो गया। सो ये सारे प्रूफ जनरल प्रूफ थे। अब हम लोग ग्राफिकल प्रूफ पढ़ लेते हैं। आई होप आपको वो सारी चीजें समझ आ गई होंगी। यहाँ पर आपको मैं समझाने के लिए एक ग्राफ प्लॉट करूंगी। जैसे कि एक पार्टिकल है, उसके मोशन को हम लोगों को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं पहले। तो एक पार्टिकल है जिसका की इनिशियल वेलोसिटी यू था, तो उस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी लेट से पॉइंट ए पे उसका इनिशियल वेलोसिटी यू था, देन यहां से वो पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर गया और वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करके पॉइंट बी तक पहुंचा। ये पॉइंट बी है और वो पॉइंट बी तक पहुंचा। और जैसा कि ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ये वेलोसिटी देगा और ये हमें टाइम देगा। मतलब हम लोगों ने वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को रखा और एक्स एक्सिस पे टाइम को रखा, तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हम लोगों को एक्सेलरेशन देगा। और हम लोगों को जितने भी चीजें गिवन है, जैसे कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो है वो पॉइंट ए पे है, हमारा फाइनल वेलोसिटी जो है वो पॉइंट बी पे है, और जो हमारा टाइम है इस डिस्टेंस को कवर करने में वो टी लग रहा है। तो हम लोग इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं ताकि हम लोग प्रूफ कर सकें इसको। तो लेट्स से, तो ये हमारा पॉइंट ओ हो गया, इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड देन यहाँ पे हम लोग का एक और पॉइंट बन रहा है, इसको हम लोग लेट्स से डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर आप इसको ऐड करना चाहें तो कर दें, ये हमारा पॉइंट ई हो जाएगा। अगर आपको कोई और भी चीजें रिप्रेजेंट करनी हो तो आप वहां पर जैसे कि आप टर्म्स को लेना स्टार्ट करते हो, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, इस सारी चीजें लेटर अल्फाबेट्स के यूज करते हो, तो मैं भी सिंपली यही कर रही हूँ। जितने भी टर्म्स हमें मिले हैं, जैसे कि हमें इनिशियल वेलोसिटी मिला, तो हम लोगों को इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट ए पे मिला है, तो अगर मैं बोलना चाहूँ कि पॉइंट ए पर कौन सी वेलोसिटी थी, तो आप लोग हमको बोल सकते हो कि वो इनिशियल वेलोसिटी थी, एंड देन हमारे पास पॉइंट बी पे फाइनल वेलोसिटी। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। सो ये पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी वी था और उसके इनिशियल वेलोसिटी वो यू था, एंड देन यहाँ पर टाइम को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। सो अगर आपको यहाँ पे पॉइंट बी से पॉइंट सी को लिखना हो, बी सी को लिखना हो, तो आप कैसे लिखोगे? तो आप बी डी को और सी डी को ऐड करोगे, दैट मीन्स बी डी प्लस सी डी। अगर आप ऐड करते हो तो आपको ये पूरा लाइन मिल जाएगा। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो BC का वैल्यू यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? तो यहाँ पर आप BC को V से रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि वो फाइनल वेलोसिटी है। B से पॉइंट B से पॉइंट C तक का जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी है, तो मैं इसको V से लिख देती हूँ। देन जो BD है उसको हम लोग एज यूजुअल रहने देते हैं, क्योंकि BD का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि वो होता क्या है। तो CD, अब यहाँ पर देख सकते हैं C और D के बीच का जो वेलोसिटी है, दैट मीन्स कि वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, तो हम लोग उसको U से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो हम लोग सारे पॉइंट्स को तो हम लोग सिर्फ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर डी और सी पॉइंट का जो डिस्टेंस था वो यू था, मतलब कि इसको हम लोग यू से डिनोट कर रहे थे, तो वो इसलिए यहाँ पर यू लिखे हैं हम लोगों ने। नाउ आपको भी पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हम लोगों को एक्सेलरेशन देता है, तो अगर आपको एक्सेलरेशन लिखना हो तो आप यहाँ पर, तो हम लोग उसको वी माइनस यू बोलते हैं, और वेलोसिटी बाय जो हमारा टाइम होता है वो होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पर आपको अगर मैं BD डिस्टेंस की बात करूं, तो ये पूरा डिस्टेंस V है और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस U है। तो अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं BD डिस्टेंस की, तो अगर आप V में से U को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो हमारा BD डिस्टेंस होगा। तो मैंने BD के, मैं इस वैल्यू को हटाकर यहाँ पर BD लिख सकती हूँ, एंड देन T को मैं इक्वल टू के अपोजिट साइड शिफ्ट कर देती हूँ। तो टी को मैं अगर इक्वल टू के अपोजिट साइड शिफ्ट करूंगी तो वो एक्सेलरेशन के साथ इनटू हो जाएगा। दैट मीन्स कि हम लोगों ने इस तरह से बीडी का जो वैल्यू होता है
उसको फाइंड आउट कर लिया। तो मैं तो मैम इस इक्वेशन में, लेट से ये इक्वेशन वन है, तो हम लोग इक्वेशन वन में बीडी का वैल्यू डाल देते हैं, तो भी इक्वल टू बीडी का वैल्यू 80 होता है और प्लस यू। तो इसी तरह से हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गया, भी इक्वल टू यू प्लस 80। बस इसी को मैंने रीअरेंज करके लिखा है यहाँ पर। सो आई होप आपको ग्राफिकल मेथड अच्छे से समझ आ रहा होगा। ग्राफिकल मेथड काफी ज्यादा आसान होता है समझने के लिए, लेकिन जितने भी जनरल प्रूफ्स होते हैं वो भी काफी इजी हैं, और आपके एग्जाम्स में, स्कूल के एग्जाम में ग्राफिकल मेथड से ही प्रूफ करने को आएगा। तो हम लोग अब इसी के साथ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दैट मीन्स कि अगर आपके पास टाइम गिवेन हो, एक्सेलरेशन गिवेन हो और हमारा इनिशियल वेलोसिटी गिवेन हो, तो आप उसे डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो लेट से मैं पूछ लूं कि एक पार्टिकल है जो इस पाथ को कवर करता है, उसका वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ कुछ इसी तरह का है, तो वो कितना वेलोसिटी, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पर आपको टाइम भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, एंड देन आपको यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल बताना है। तो आपको ये पता है कि एरिया अंडर द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस। सो इसका एरिया अगर मैं लिखना चाहूँ तो एरिया ऑफ बी ए ओ सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए डी हो जाएगा। सो अगर आप रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको एल इंटू बी का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी। तो दैट मीन्स कि जो ये यहाँ पर ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, अगर हम इसको इंटू करेंगे तो ये हमारा एरिया दे देगा जो कि इस रेक्टेंगल का होगा। तो यहाँ पर जो हमारा डीसी है, तो मैं इसको लिख देती हूँ डीसी इंटू ओसी, और जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो हाफ बेस इंटू हाइट, तो हमारा बेस हो जाएगा ए डी इंटू हाइट हमारा बी डी, यही हो जाएगा। एंड देन यहाँ पर बस आपको सिंपली सबका वैल्यू पुट कर देना है। तो डीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डीसी का वैल्यू यू है और ओसी हमारे पास टी है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यू टी हो गया प्लस हाफ यहाँ पर ए डी, जो ए डी है वो भी टी होगा, क्योंकि आप लोगों ने क्लास नाइन्थ में पढ़ रखा होगा कि अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल। तो अगर ये एक रेक्टेंगल है तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा, दैट मीन्स कि OC इक्वल टू AD हो जाएगा और दोनों T के इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर से T का वैल्यू लिख सकते हैं, और जो हमारा BD है वो चेंज इन वेलोसिटी है, इस वाले पार्ट को V माइनस यू लिख सकते हैं, तो V माइनस यू यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया। अब आपको ये वाला टर्म देख के कुछ मिसिंग लग रहा होगा, दैट मीन्स कि वो टाइम, तो अगर हम लोगों को ऊपर नीचे टाइम से इंटू कर दें तो खास इक्वेशन पे असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके पास दो और दो हैं, तो अगर मैं इधर भी तीन ऐड कर दूं और इक्वल टू के अपोजिट साइड भी तीन ऐड कर दूं, तो दोनों इक्वल नहीं रहेंगे। तो अगर मैं पूरे इक्वेशन में टी से अगर मल्टीप्लाई कर दूं और टी को डिवाइड ही कर दूं, तो इक्वेशन में कोई खास असर नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ से टी से टी को कैंसिल कर दूंगी, देन ओवरऑल वैल्यू यहाँ पर वन हो जाएगा। सो मैं इस तरह से एक टी के साथ इसको कंबाइन कर सकती हूँ और एक टी को मैं इसके साथ कंबाइन कर सकती हूँ, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह का बनेगा यू टी प्लस हाफ भी माइनस यू बाई टी इंटू टी स्क्वायर। तो मैं भी माइनस यू बाई टी को एक्सेलरेशन बोलती हूँ, मैं क्या सभी लोग बोलते हैं क्योंकि यही होता भी है, तो हाफ ए टी स्क्वायर। इसी तरह से हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी प्रूव कर लिया, और ये जो बी ए ओ सी डी है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, दैट मीन्स कि वो हमारा एस है। नाउ यहाँ तक आपको अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, अब हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं। इसके लिए मैं स्लाइड को इरेज कर लेती हूँ। अगर आप इस ग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे ये दो फिगर को शो करता है। पहले तो आप अगर ट्रायंगल और रेक्टेंगल को ऐड करते हो तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा, और अगर सेकेंड आप इसको गौर से देखोगे तो ये एक ट्रेपेजियम के जैसा लगेगा। तो अगर हम लोगों को इसका एरिया लिखना होगा तो हम लोग जो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज करते हैं, हम लोग उसको भी यूज करके इसका एरिया लिख सकते हैं। देन एरिया ऑफ बी ए ओ सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी ए ओ सी डी, और एरिया ऑफ बी ए ओ सी डी ये हमारा डिस्टेंस होता है, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड
पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बाय टू. सो यहाँ पर सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट मीन्स कि ये AO और BC ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं AO प्लस BC इनटू, और ये जो हमारा AD है वो हाइट हो जाएगा जो कि T के बराबर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर T लिख देते हैं. या फिर इसको एक स्टेप आगे लिखने के लिए मैं यहाँ पर AD लिखती हूँ पहले, AD और देन 2. बस यहाँ पर आपको सारे वैल्यूज पुट करने हैं, तो हम लोग AO के जगह पर U लिख सकते हैं और BC के जगह पर भी लिख सकते हैं. एंड देन AD हमारा T है जिसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा कुछ इस तरह का इक्वेशन मिल जाएगा. अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद हो, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ v इक्वल टू यू प्लस AT. अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हो तो आपको यहाँ पर T का वैल्यू मिल जाएगा. अभी तक मैंने इसको 3-4 बार से कम नहीं किया होगा, तो जिसके कारण मुझे याद हो चुका है. तो यहाँ पर v माइनस यू बाई ए, यहाँ पर सिंपली मैं इसका वैल्यू पुट कर देती हूँ. ये जो यहाँ पर हमारे पास टाइम है, मैं टाइम के जगह पर इसका वैल्यू पुट कर देती हूँ. तो यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू बाई ए, और ये हमारे पास 2. तो यहाँ पर ये बिल्कुल सिंपल हो गया, जस्ट आपको यहाँ पर इंटू करना है. तो s इक्वल टू यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू, एंड देन नीचे में हमारा 2a हो जाएगा. हम लोग 2a को अपोजिट साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. मैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी को यूज करके ऐसा लिखी हूँ. तो हम लोग वापस से वी स्क्वायर को एक साइड रख के यू स्क्वायर को शिफ्ट कर देते हैं, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. सो हम लोगों ने इसी के साथ इस लेक्चर को भी कंप्लीट कर लिया. मैंने आपको जनरल प्रूफ और ग्राफिकल मेथड दोनों समझा दिया. इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर के एंड में आ चुके हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. फॉर मोर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल. और ये सारी हमारी फैसिलिटीज हैं जिसको कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि आप JR की साइट पे जाकर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो, जिसकी वजह से जितने भी अपडेट्स आते रहेंगे हम लोग आपको मेल करते रहेंगे और हम लोग आपको नोटिफाई करते रहेंगे, तो आपको उससे कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. देन हमारा सेकेंड प्लेटफॉर्म जो है वो है 1-to-1 लाइव सेशन. आप 1-to-1 हमारी अकेडमी के जितने भी फैकल्टीज हैं उससे पढ़ सकते हो, जितने भी कोर्सेस हैं आप उसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, और जितने भी स्टडी मटेरियल है हम लोगों की साइट पे फ्री और पेड स्टडी मटेरियल दोनों है. अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल अच्छी लगती है तो आप फ्री की तरफ जा सकते हो, एंड हमारे पास जो अदर पेड सर्विसेज हैं आप उसको भी एक बार चेक कर सकते हो, क्योंकि कुछ पेजेस के प्रीव्यू के लिए हम लोगों ने उसको फ्री रखा है, तो आप वो सबको चेक करके देन परचेस कर सकते हो अपना. देन आप रिकॉर्डेड ट्यूटोरियल्स देख सकते हो. देन आपके पास हमारी एकेडमिक कंसल्टेंसी का जो फैसिलिटी है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है. आपके कई सारे डाउट्स होते हैं जो कि एकेडमिक रिलेटेड होते हैं, तो आप वहाँ हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हो. सो दैट्स हाउ आई एम फिनिशिंग आवर लेक्चर. आई विल कम अप विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सेशन. टिल देन बाय बाय.